हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं आप सब लोगों का क्रेस्ट फोरम में फिर से। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार टॉपिक करेंगे, क्रॉलिंग, कॉगिंग, जॉगिंग, इंचिंग। ये चारों टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। MCQs क्या आएंगे वो भी मैं इसमें बात करूँगा। पूरा लेक्चर आपको देखना है, बस इतना आपको करना है। अब चलते हैं काम की बात पे। कल मैंने जो लेक्चर अपलोड किया था, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि 2022 में, क्योंकि यूपी में चुनाव हैं, तो 2021 में सरकार के पास बहुत प्रेशर है कि वो अगर प्राइवेटाइजेशन करती है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लॉजिकली अगर आप चलें तो बहुत मुश्किल है प्राइवेटाइजेशन होना चुनाव से पहले। मैं सब लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने कल के लेक्चर में भी बोला था, मतलब कल के वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बोली थी, और उसी दिन शाम में ये फैसला भी आया कि 3 महीने अब प्राइवेटाइजेशन टल गया है। तो कहीं ना कहीं फैसला सब स्टूडेंट्स और कर्मचारी के पक्ष में ही रहा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बना दिया गया था। अब मैं यही तो आप लोगों से कह रहा था, मैं उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों से ये कही कि क्या पता, देखिए आप लोग इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बातचीत करने में, मतलब लोगों से डिस्कस करने में कि क्या होगा कैसे होगा। देखिए, कुछ फ्रूटफुल चीज़ के लिए मैंने हमेशा से कहा है कि ट्वीट कर लीजिए आप लोग। आप लोगों से धरना प्रदर्शन की तो नहीं कह सकते हम लोग, आपके भविष्य का भी सवाल है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का भी तो फ्यूचर है। आप कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, देखिए जोश में 2 मिनट में तो कह दिया जाता है, बट किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो टीचर की है। तो ऑब्वियसली हम लोग धरना प्रदर्शन की तो नहीं कह सकते, तो क्या कह सकते हैं, ट्वीट करने की कह सकते हैं, जो बात सरकार तक डायरेक्ट पहुंच सकती है। बट जो बात आप गलत रास्ता अपनाते हैं वो है आपस में व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक्स पे, और आपस में कॉल लगा के सरकार के ऊपर ही एक एक दो दो घंटे का डिस्कशन, आपस में गाली देना, सब चीज़ करना, ये सब ठीक बात नहीं है। ऑब्वियसली मैं बार बार इस चीज़ को दोहराऊंगा नहीं, 2022 में चुनाव है और आप लोगों ने तैयारी रखनी है। एक आध दो महीने में पेपर आपका हो जाएगा 600 वैकेंसी का, ये पेपर हाथ से ना निकले, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अदरवाइज़ फिर तो ये कहानी ऐसी चलती चली जाएगी कि सर इस बार नहीं पढ़ पाए तो अगली वैकेंसी में देखेंगे, सर इस बार नहीं पढ़ पाए तो अगली में देखेंगे, फिर क्या होगा, सर प्राइवेट हो गया। तो इतना टाइम रखोगे तो प्राइवेट होगा ही ना। मैं बात कर रहा हूँ, आप अगले साल तक फोकस रखिए, 6-7 महीने, अगले 6 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, मतलब जुलाई तक, जून जुलाई तक अगले साल में 2021 में आचार संहिता लग जाएगी, मतलब उससे पहले वैकेंसी कहीं ना कहीं बनेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग ज़्यादा डिले ना करते हुए 3-phase induction motor part 3 हम लोग कर रहे हैं, कॉगिंग, क्रॉलिंग, जॉगिंग, इंचिंग देखेंगे। बात करते हैं क्रॉलिंग की। नाम से ही पता चल रहा है क्रॉल, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, रेंगना। तो किस चीज़ का यहाँ पे रेंगना होने वाला है, समझते हैं बात को। ये आप लोगों का स्टेटर है। अब जब ये बात करेंगे स्टेटर की, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर रोटर भी होगा। ये रोटर है, अब जब ये रोटर है और ये स्टेटर है, ठीक है, जब स्टेटर पर 3-phase supply देते हैं हम लोग, जब स्टेटर पर 3-phase supply हम लोग जब देते हैं तो क्या होता है, जब स्टेटर पर 3-phase supply देते हैं तो यहाँ RMF पैदा होती है, और वो RMF NS स्पीड से मूव करती है, और जब ये RMF NS स्पीड से मूव करती है, जिसकी स्पीड कहीं ना कहीं NS = 120 FP दी जाती है। अब बात करें, जब RMF स्पीड से घूमती है तो जिस दिशा में RMF की दिशा होती है, मैं आप लोगों को ये पॉइंट नोट करके लिखवा देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ RMF डिपेंड्स ऑन फेज सीक्वेंस ऑफ सप्लाई। मतलब क्या है, बात को ध्यान से समझना है। इस RMF की दिशा क्लॉकवाइज रहेगी या एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, जो भी रहेगी वो जो ये सप्लाई आप दे रहे हैं इसके फेज सीक्वेंस पे निर्भर करेगा। RY भी फेज सीक्वेंस है तो एक दिशा रहेगी, अगर उल्टा फेज सीक्वेंस है, मान लीजिए RBY फेज सीक्वेंस है, तो फिर उल्टी दिशा रहेगी। अब आप पूछेंगे कि सर क्या दिशा रहेगी, फिर दिशा रहेगी क्या, देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर सप्लाई में RYB फेज सीक्वेंस है, ये एंगल 0 होगा, Y का एंगल -120 होगा, B का एंगल -140 डिग्री होगा। हमेशा याद रखिए RMF की जो दिशा होती है
वो लीडिंग एंगल से लैगिंग एंगल जाती है, लीडिंग एंगल से लैगिंग एंगल जाती है, लीडिंग एंगल से लैगिंग एंगल जाती है, मतलब जीरो लीडिंग एंगल है, उससे पीछे होने वाला एंगल कौन सा है, -120। तो लीडिंग से लैगिंग एंगल जाती है आरएमएफ की दिशा। तो जो आपका जो भी आपका फेस सीक्वेंस लगेगा उसके हिसाब से आपका जो है आरएमएफ की दिशा हो जाएगी। अगर हम इस हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं दिशा क्या बन रही है, क्या डायरेक्शन क्या बन रही है इस आरएमएफ की, इस आरएमएफ की दिशा बन रही है क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज दिशा बन रही है। तो मान लेते हैं ये क्लॉकवाइज दिशा में मूव कर रहा है। ठीक है, अब आरएमएफ क्लॉकवाइज दिशा में मूव कर रहा है। स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग ये बात समझे हैं कि रोटर भी उसी दिशा में मूव करेगा जिस दिशा में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करेगा या आरएमएफ मूव करेगा। इतना पॉइंट क्लियर है? तो चलिए, मतलब कहने का क्या है कि बधाई हो, मोटर चल चुकी है, मोटर चालू हो चुकी है, सेल्फ स्टार्ट है, मतलब आपको कोई ज़्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी, सेल्फ स्टार्ट मोटर है। आपने सप्लाई लगाई, सप्लाई के हिसाब से आरएमएफ पैदा हुआ, आरएमएफ के हिसाब से उस मोटर की, आरएमएफ की दिशा के हिसाब से उस रोटर की भी दिशा हो गई, मतलब उसी दिशा में रोटर घूमने लगा। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, और जब कुछ सब कुछ अच्छा चलता है तभी तो रायता फैलता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसने हाँ भी कर दिया था, फिर पता नहीं क्यों पापा बीच में आ गए, और पापा ने कहा हाँ तुम्हारी शादी इससे नहीं हो सकती। खैर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो आरएमएफ क्या होगा, आरएमएफ घूम रहा है ऐसे ही आपका उसी दिशा में रोटर घूम जाएगा। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, रोटर आरएमएफ की दिशा ले ही चुका था, बट फिर प्रॉब्लम कहाँ से आई, बात समझिए। जो ये थ्री फेज सप्लाई देते हैं हम लोग, ये कायदे से कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, मतलब अगर आर फेज है तो ऐसे, वाई फेज है तो वो इस तरीके से होगा, और बी फेज है तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो आर बाई बी फेज होना चाहिए, मतलब इस तरीके से आपकी सप्लाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है साहब, इस तरीके से सप्लाई होनी चाहिए। फिर क्या है, जब ये सप्लाई कुछ इस तरीके की होगी तो क्या होगा, होनी चाहिए आइडियली सप्लाई ऐसी होनी चाहिए, बट आइडियली सप्लाई ऐसी होती नहीं है। तो होती कैसी है, कुछ इस तरीके से होती है, मतलब आर फेज कुछ इस तरीके का है, फिर वाई फेज कुछ इस तरीके का है, मतलब प्योर साइनसोइडल नहीं होती है। इसका मतलब सप्लाई में क्या होता है, हार्मोनिक्स होते हैं, सप्लाई में क्या होता है, हार्मोनिक्स होते हैं। अब सप्लाई में हार्मोनिक्स कहाँ से आए, पीछे ट्रांसफार्मर से आए। इस सप्लाई में हार्मोनिक्स कहाँ से आए, ये सप्लाई कहीं से तो आ रही होगी, यहाँ ट्रांसफार्मर लग रहा होगा कहीं, तो सप्लाई में कहाँ से आए हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स का मतलब ये समझ लीजिए अशुद्धियाँ, मतलब जो ये साइन वेव की तरह होनी चाहिए थी, अब इसमें तिगड़म आ गई है थोड़ी सी, तो ये हार्मोनिक्स कहलाती है, अशुद्धि कहलाती है। अगर हम डेफिनेशन समझें तो अनचाही फ्रिक्वेंसी, क्या अनचाही फ्रिक्वेंसी, अनवांटेड फ्रिक्वेंसी। हार्मोनिक्स क्या होती है, अनवांटेड फ्रिक्वेंसी होती है। अब बात करते हैं आगे, तो जो ये सप्लाई है, ये सप्लाई कनेक्टेड ट्रांसफार्मर से, और ट्रांसफार्मर से फिर से पीछे से कनेक्टेड, तो ये ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसमें जो सेचुरेशन होता है, जो संतृप्त आ जाता है कोर के अंदर, उसकी वजह से हार्मोनिक्स पैदा होता है। मतलब ये हार्मोनिक्स का जो मेन जड़ है वो सेचुरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर है, मतलब ट्रांसफार्मर की कोर सेचुरेट करती है तो आगे हार्मोनिक्स जाती है, और आगे हार्मोनिक्स जाती है तो फिर वो मशीन मोटर में भी फीड होती हैं, कहीं ना कहीं आगे जाती हैं। तो ये कहानी ट्रांसफार्मर कोर से शुरू होती है हार्मोनिक्स की। तो अब क्या करें, हार्मोनिक्स आ गया, तो हार्मोनिक्स यहाँ पे जब आता है, एक बात है, जब भी थ्री फेज सप्लाई थ्री फेज वाइंडिंग को दी जाए, थ्री फेज वाइंडिंग कहाँ है, स्टेटर पे, थ्री फेज वाइंडिंग स्टेटर में है जाहिर सी बात है, और थ्री फेज वाइंडिंग रोटर पे भी है, थ्री फेज वाइंडिंग रोटर पे भी है, ऐसा नहीं, हम लोग प्रेफर करते हैं कि स्टार वाइंडिंग हो, दोनों जगह पे प्रेफर करते हैं स्टार वाइंडिंग। उसके पीछे रीज़न है, स्टार वाइंडिंग इंसुलेशन कम लेती है क्योंकि उसका वोल्टेज होता है VL/√3, तो वोल्टेज कम हो जाता है तो इंसुलेशन कम लेती है। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे जब हार्मोनिक्स इसमें जाता है, जब एक्चुअल सप्लाई जाएगी तो आरएमएफ पैदा होगा, बट जब हार्मोनिक्स वाली सप्लाई जाएगी, जब ऐसी जाएगी तो फिर वहाँ पर रायता फैलेगा। मतलब कहने का ये है कि जब प्योर सप्लाई थी, जब प्योर सप्लाई दे रहे थे तो केवल क्या पैदा हो रहा था, आरएमएफ पैदा हो रहा था। अब जब सप्लाई इम्प्योर हो गई, इम्प्योर का मतलब
हार्मोनिक्स वाली सप्लाई हो गई, मतलब सप्लाई में क्या जुड़ गया है, हार्मोनिक्स जुड़ गया है। तो अब क्या हो रहा है ध्यान से समझिए, अब केवल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं हो रही, अब कुछ और भी पैदा होगा। मान लीजिए कुछ इस तरीके से, अगर आप संत लोगों के साथ में रह रहे हैं तो आपको विचार भी संतों वाले आएंगे, बट आप अपने दोस्तों जैसे लोगों के साथ में रह रहे हैं तो फिर उस विचार उनके जैसे भी आएंगे। सेम ऐसे जब आप प्योर सप्लाई के साथ में थे, बाइंडिंग को दे रहे थे, तो केवल आरएमएफ पैदा हो रहा था, बट जब आप इम्प्योर सप्लाई दे रहे हैं जिसके अंदर क्या है, हार्मोनिक्स है, तो अब आरएमएफ के साथ साथ कुछ और भी होगा। क्या होगा ध्यान से समझिए, हार्मोनिक्स के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स पैदा रहेगा, फिफ्थ हार्मोनिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, फ्लक्स कह लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए, बात एक ही। और सेवेंथ हार्मोनिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो थर्ड फिफ्थ और सेवेंथ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर थर्ड फिफ्थ और सेवेंथ होगी तो नाइन्थ इलेवेंथ वाली कहाँ जाएगी, तो मैं आप लोगों को बता दूँ नाइन्थ वाली थर्ड जैसी ही होगी, क्योंकि नाइन्थ और थर्ड एक दूसरे के फैक्टर है, विभाजित होते पाँच पंद्रह दस पच्चीस, ये सब पाँच वाली फैमिली के होंगे, मतलब इसका जैसा नेचर होगा वैसे ही दस वाले का होगा, वैसे ही पंद्रह वाले का होगा, सेवन्थ वाले का जो नेचर होगा वैसे ही चौदह वाले का होगा, इस तरीके से है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर इवन हार्मोनिक्स कहाँ चले जाते हैं, सेकेंड फोर्थ फिफ्थ, बड़ी लंबी कहानी है यार, अभी आप इतना समझिए, ठीक है। तो इम्प्योर सप्लाई और हार्मोनिक्स की बात करें तो ये तीन चीज़ें पैदा होती हैं जब हम इम्प्योर सप्लाई देते हैं, पहले केवल ये पैदा हो रही थी तो केवल इसी की दिशा में घूम रहा था। अब बात को समझना, पहले ये पैदा हो रही थी, अब एक चीज़ समझिए, क्या चीज़, आप लोग जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपके मन में विचार आते हैं, आपने देखा होगा कभी सही विचार आते हैं कभी गलत आते हैं, वो एक ऐड में दिखा नहीं देते, यहाँ पर जो परी टाइप की सी बैठ जाती है और यहाँ पर डेविल राक्षस जैसा बैठ जाता है, तो किसी चीज़ को जब हम करते हैं तो वो कहता है कि ऐसा करो और राक्षस कहता है ऐसा करो, तो इस तरीके से कुछ एक एड वैड भी आते थे पिक्चरों में। खैर, कहने का मेरा मतलब है हर इंसान के अंदर एक गलत और एक सही वाला इंसान बैठा होता है। गलत वाला इंसान जाहिर सी बात है गलत विचार को लेके जाएगा, और सही वाला इंसान जाहिर सी बात है वो कहेगा कि सही चीज़ करो। तो थर्ड हार्मोनिक्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन, ठीक है, वो घूमती नहीं है, नो डायरेक्शन, नो रोटेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये घूमती ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, नो रोटेटिंग प्रॉपर्टी, इसकी कोई घूमने वाली प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, किसकी, थर्ड हार्मोनिक की। अब फिफ्थ हार्मोनिक की क्या प्रॉपर्टी होती है समझिए, इसकी प्रॉपर्टी होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मेन आरएमएफ, तो जो मेन आरएमएफ की डायरेक्शन है ठीक इसकी डायरेक्शन भी वही होगी, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, घूम रहा बोल रहा हूँ मैं, मतलब रोटेटिंग होगा। और सेवेंथ हार्मोनिक्स की अपोजिट टू मेन फ्लक्स, ये भाई विपरीत चलेगा, मतलब अगर ये क्लॉकवाइज जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, रहेगा आरएमएफ ही, मतलब रहेगा रोटेटिंग, इस बात को समझिए। चलिए, अच्छा एक चीज़, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये सेवन्थ है ये फिफ्थ है, सॉरी ये मैंने यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया लिखने में, ये फिफ्थ है और ये सेवन्थ है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि फिफ्थ वाले का कैसा रहेगा, अपोजिट टू द मेन फ्लक्स रहेगा, मतलब जो मेन फ्लक्स है उसके ठीक अपोजिट रहेगा, और जो सेवन्थ वाला है उसका इन द डायरेक्शन रहेगा। इसका मतलब ये है कि अब इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ और भी कई फील्डें आ गई हैं। देखिए, थर्ड वाली हार्मोनिक की तो कोई फील्ड नहीं है, उसको तो कैंसिल ही करो, सेवन्थ वाले की अगर मैं बात करूँ तो सेवन्थ वाले की क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ मेन आरएमएफ, सेवन्थ वाले की है तो मतलब इसी के डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर मैं ये मेन आरएमएफ बनाऊंगा तो देखिए बड़े ध्यान से, सेवन्थ वाले की इन द मेन डायरेक्शन है सेवन्थ वाले की, और फिफ्थ वाले की उसके विपरीत है फिफ्थ हार्मोनिक की, ठीक है।
अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेन आरएमएफ की स्पीड एनएस है, सेवेंथ वाले की स्पीड होगी NS/7 और फिफ्थ वाले की स्पीड होगी NS/5, ये इनकी स्पीड रहेगी रोटेशन की। अब आप कुछ इस तरीके से इस पिक्चर को देख सकते हैं पूरे को, कि एक घूमने वाली चीज है, एक फोर्स तो एक बल तो उस पे NS जैसा लग रहा है, एक बल उस पे NS/7 जैसा लग रहा है सेम दिशा में, और एक बल NS/5 जैसा लग रहा है उल्टी दिशा में। तो खुद सोचिए क्या हाल होगा। आप जब मान लीजिए किसी रेस में भाग ले रहे हैं और आप जैसी गेट सेट गो बोलने वाला है कोई, मतलब आप जैसे ही आप अपनी रेस चालू करने वाले हैं, वैसे ही कोई आपको एक बंदा धक्का दे आपको आगे की तरफ और एक बंदा धक्का दे पीछे की तरफ, तो क्या होगा, तुम लड़खड़ा के गिर जाओगे। सेम ऐसे ही यहां पर होगा। ये जो रोटर है, आरएमएफ कहेगा मेरी दिशा में घूमो, NS/7 कहेगा हाँ ये सही कह रहा है मेरी दिशा में ही घूमो, बट NS/5 कहेगा कि नहीं उल्टी में घूमो। तो होगा क्या, ये रोटर बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, लड़खड़ा जाएगा और रेंग के चालू होगा। कैसे चालू होगा, रेंग के चालू होगा, और लड़खड़ाए कदम कभी संभलते नहीं। अगर ये क्रॉलिंग रेंग के चालू अगर हुआ, क्या अगर रेंग के चालू हुआ तुम्हारा रोटर, मगर ये समस्या अगर और ज्यादा बढ़ गई, मतलब अगर शुरुआत में ये सब चीजें होती हैं कब, जब मोटर बिल्कुल शुरू होने वाली होती है, मतलब तभी ये चीजें हो रही होती हैं। जैसी मोटर चालू करोगे तो ये सप्लाई जा रही होगी, जाहिर सी बात है तभी ये सब चीजें बवाल होने लगता है। तब क्या होगा, तब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये तब क्या चीज होगी। अगर मान लीजिए ये चीज ज्यादा डोमिनेंट हो गई, मतलब ये चीज अब बहुत ज्यादा बढ़ के बाहर आ गई, तो फिर आपकी मोटर दुखद समाचार सूचित किया जाता है कि मोटर चालू ही नहीं होगी, रुक जाएगी, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे साहब ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में करेंगे कि अच्छा, सबसे पहली चीज तो जो एक क्रॉलिंग की समस्या है मेजरली इन स्क्विरल केज मोटर कह लीजिए या रोटर कह लीजिए, बात एक ही है। मतलब जिन मोटरों में स्क्रिल केज का रोटर लगा हुआ है उसमें ये समस्या ज़्यादा देखी गई है। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए पोलार्ड डॉल्ला है, जो पोलार्ड क्रिकेटर नहीं है, बड़ा हैवी सा क्रिकेटर है पोलार्ड, आप लोगों ने देखा ही होगा, वेस्ट इंडीज़ का है, मुंबई इंडियंस से आजकल खेल रहा है। मान लीजिए पोलार्ड दौड़ रहा है और उसको कोई धक्का दे रहा है और पकड़ रहा है, ठीक है, और एक मान लो चहल दौड़ रहा है उसको कोई धक्का दे रहा है पकड़ रहा है, तो चहल लड़खड़ा जाएगा बट पोलार्ड नहीं लड़खड़ाएगा, मानते हो। मतलब हैवी चीज़ को तुम धक्का दोगे खींचोगे तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर बेचारे कमजोर चीज़ को फर्क पड़ जाएगा। स्क्विरल केज का टॉर्क बहुत कम होता है स्टार्टिंग का, तो वो बेचारी शुरुआत में खुद ही चलने से एक तो परेशान रहती है और उसके ऊपर से ये आगे पीछे धक्का मुक्की और हो जाए। इसी बात को क्या कहते हैं, क्रॉलिंग। सवाल पेपर में समझिए क्या पूछे जाते हैं, क्रॉलिंग होती क्यों है, ड्यू टू हार्मोनिक्स। तो क्रॉलिंग का रीज़न पता चल गया क्या है, ड्यू टू हार्मोनिक्स। कौन सी हार्मोनिक क्या रोल निभाती है, तीसरी हार्मोनिक कोई रोल नहीं निभाती, सातवीं हार्मोनिक्स मेन डायरेक्शन में घुमाती है, पांचवी हार्मोनिक्स उल्टे डायरेक्शन में घुमाती है, सब क्वेश्चन क्लियर है। हार्मोनिक्स कैसे पैदा होती है किसी भी मशीन में, किसी भी सप्लाई में, हार्मोनिक्स होती है सप्लाई की वजह से। सप्लाई ऑप्शन में ना दे तो कहना ट्रांसफॉर्मर में सेचुरेशन की वजह से, याद रखिए इतना लिखिए आप लोग। तो ये था क्रॉलिंग, याद रखिए थर्ड हार्मोनिक में कोई घूमने की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो घूमती नहीं है, तो ये मोटर पे कोई फर्क नहीं डालती है थर्ड हार्मोनिक। तो क्रॉलिंग एक तरीके की क्या हो गई, बीमारी हो गई, मतलब एक तरीके का प्रॉब्लम है। ये किस में अकर करती है मोस्टली, ये अकर करती है, ये मोस्टली अकर करती है किस में, स्क्विरल केज में। स्लिप रिंग में क्यों नहीं अकर करती, स्लिप रिंग में इसीलिए अकर नहीं करती क्योंकि स्लिप रिंग मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कौन उसे रोक रहा है कौन नहीं रोक रहा है, तो स्लिप रिंग मोटर को फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं आगे समाधान, ये तो बीमारी तो थी, इसका समाधान क्या है। इसका समाधान है जो रोटर है, रोटर है इसमें क्या करिए,
चालकों को तिरछा रखिए, चालकों को क्या रखिए, तिरछा रखिए, स्क्यूड बोलते हैं इस चीज को, स्क्विंग ऑफ कंडक्टर, स्क्विंग ऑफ कंडक्टर, चालक को तिरछा रखें, स्क्विंग ऑफ कंडक्टर। तो चालक को आपको क्या करना है, तिरछा रखना है रोटर में। चालक को तिरछे रखने से होगा क्या, वो बात समझिए। चालक को तिरछा रखने से, इसे बोलते हैं स्क्विंग ऑफ कंडक्टर, चालक को तिरछा रखने से कहीं ना कहीं आप चीज़ इसको समझते हैं बड़े ध्यान से। अगर मैं किसी कंडक्टर को ऐसे रख रहा हूँ और किसी कंडक्टर को ऐसे रख रहा हूँ रोटर पे, तो लेंथ इसकी बढ़ जाएगी तिरछा रखने पे। जब तिरछे रखने से लेंथ बढ़ जाएगी तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मैंने टॉर्क को बोला है आपको, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। तो बस टॉर्क बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्रॉलिंग का इफेक्ट कम हो जाएगा और वो खींच के ले जाएगी, कहेगी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझे कितना भी रोक लो करके। ये रेमेडी है। तो रेमेडी क्या है, एक रेमेडी स्क्विंग ऑफ कंडक्टर इज़ द रेमेडी, जो सबसे मेजर रेमेडी है वो यही है, स्क्विंग ऑफ कंडक्टर। ठीक है, स्क्विंग ऑफ कंडक्टर इज द मेजर रेमेडी। चलिए कॉगिंग की बात कर लेते हैं कुछ, ये मेजर रेमेडी है, कॉगिंग की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो रेमेडी है ये कॉगिंग के लिए भी है, अभी मैं आगे कॉगिंग बताऊंगा उसके लिए भी है। तो मेजर अब हम लोग क्या करेंगे, रेमेडी मतलब होता है समाधान, समाधान। ठीक है, कॉगिंग की मैं अगर बात करूं, ये स्टेटर है, ठीक है, और अच्छा मान लीजिए ये आपका रोटर था और ये आपका स्टेटर था, ये आपका स्टेटर था, ये आपका स्टेटर था, मतलब कुछ इसी तरीके से रखे हुए, मतलब कहने का मतलब ये बस मैंने भाग अंदर बना दिया, ये भाग बाहर बना दिया। ठीक है, इसमें खांचे हैं, इसमें क्या है, खांचे, ये खांचे हैं, इस तरीके से खांचे, ये सब खांचे बने हुए हैं। ठीक है, ये सब खांचे बने हुए हैं। अब आप देखिए जैसे यहाँ पे आर एम, देखिए यहाँ पे खांचे बने हुए हैं, ये रोटर जैसी, अब देखिए ये स्टेटर में सप्लाई देते हैं हम लोग, सप्लाई देते हैं स्टेटर में, सप्लाई देंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर में बनेगी पहले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ये एन एस कुछ इस तरीके से पोल डेवलप होंगे। अच्छा, जब यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा, तो इसमें पोलैरिटी बनेगी रोटर पे, तो रोटर में भी पोलैरिटी बन गई मान लीजिए एन एस। तो क्या होगा, जैसे आप मोटर को चालू करोगे इसमें आर एम एफ की इसमें आर एम एफ की वजह से, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय घूर्णन क्षेत्र, तो चुंबकीय है इसका मतलब ये खुद ही में चुंबकीय हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और यहाँ पे क्या पैदा होगा, इस आर एम एफ की वजह से यहाँ पर भी एन और एस पैदा होगा, तो हो रहा है यहाँ पे एन और एस पैदा, चलो साहब हो गया यहाँ पे एन और एस पैदा। क्या होगा, अब जैसे ही रोटर चालू होने वाला होगा तो ये एक ऐसी कंडीशन आ सकती है, मतलब हमेशा आएगी ये ज़रूरी नहीं है, अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि नॉर्थ साउथ आमने सामने आ गया तो ये लॉकिंग हो जाएगी, मतलब ये क्या कर जाएंगे, लॉक कर जाएंगे। अब रोटर जब चालू होगा तो चालू नहीं हो पाएगा क्योंकि ये लॉक कर गया आपस में, लॉक कर गया, चिपक गया आपस में, क्यों, क्योंकि इन दोनों की लॉकिंग हो गई। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, लॉकिंग हो गई रोटर चालू नहीं होगा, ये भी प्रॉब्लम है एक तरीके की कॉगिंग। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर कहाँ देखी गई है, स्क्विरल केज रोटर में, ये प्रॉब्लम स्लिप रिंग में नहीं होती, स्लिप रिंग रोटर में ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, स्लिप रिंग में ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्यों नहीं होती स्लिप रिंग में ये प्रॉब्लम भाई, क्योंकि स्लिप रिंग रोटर को फ़र्क नहीं पड़ता यार, स्लिप रिंग रोटर को फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता स्लिप रिंग रोटर को, क्योंकि उसका स्टार्टिंग टॉर्क इतना हाई है कोई उसे पकड़ो झगड़ ही नहीं सकता है। ठीक है, ऐसे में समाधान क्या होता है, अब बात करते हैं इसकी रेमेडी की, इसी को बोलते हैं कॉगिंग। रेमेडी की बात करें तो जो ये रोटर के स्लॉट्स हैं, जो ये स्टेटर के स्लॉट्स हैं, अब देखो ये आमने सामने होंगे तो हमेशा कभी ना कभी ऐसे चांस बन सकते हैं कि ये आपस में चिपक जाएं,
सबसे पहली रेमेडी जो है वो है रोटर स्लॉट्स शुड नॉट इक्वल टू स्टेटर स्लॉट। रोटर स्लॉट और स्टेटर स्लॉट की संख्या को बराबर ही मत रखो। जब बराबर रखेंगे तो आमने सामने चांसेस आएंगे कि वो पड़ जाएं, जब बराबर ही नहीं रखेंगे तो आमने सामने आने के चांसेस ही नहीं पड़ेंगे। ऐसे समझिए, अगर 10 लोग हैं सामने और हम 10 लोग हैं, टीम जैसे खड़ी होती है, आपने देखा है कोई मैच शुरू होता है क्रिकेट का तो टीम खड़ी होती है, तो 10-11 लोग उधर हैं, 11 लोग इधर हैं, तो आमने सामने खड़े हो जाते हैं। बट अगर वहाँ 22 लोग होंगे और इधर 11 लोग होंगे, तो ऐसा मौका पड़ेगा ही नहीं कि लोग आमने सामने खड़े हो पाएं, समझ रहे हो? तो ऐसा मौका यहाँ पड़ेगा ही नहीं अगर स्टेटर स्लॉट और स्टेटर स्लॉट की संख्या में बड़ा, तो नंबर ऑफ रोटर स्लॉट एंड नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट की संख्या क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। देखो मैं स्लॉट की बात कर रहा हूँ, खांचों की, ठीक है? इतना पॉइंट, चलिए इतना चीज़ लिख लीजिए। और इसके अलावा स्क्रीन, अभी मैंने आपको बताया कंडक्टर को तिरछा रखना, वो भी एक समाधान है, ठीक है? तो आप जो ये एन और एस हैं, आप ये जो देख रहे हैं, इसको आप कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं तिरछा। जब तिरछा रखेंगे तो ये आप खुद सोचिए, अगर आमने सामने रहेंगे तो ये बहुत स्ट्रांगली आमने सामने रहेंगे तो ये बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेगा एक दूसरे को, बट ये तिरछे हो जाएंगे तो इतना स्ट्रांगली पकड़ नहीं पाएगा, तो इतना स्ट्रांगली पकड़ नहीं पाएगा, याद रखिए। इतना पॉइंट क्लियर है, स्क्विंग ऑफ कंडक्टर। अब बात करते हैं कॉगिंग की, आगे कॉगिंग को लेके बात करते हैं। रोटर स्लॉट की संख्या एक दूसरे के समान भी नहीं होनी चाहिए, नॉर इंटीजर मल्टीपल होनी चाहिए, नॉर इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। मतलब कि अगर रोटर की संख्या, स्लॉट की संख्या 10 है तो ये 20 भी नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं होनी चाहिए। ये अगर 20 है तो ये 40 नहीं होनी चाहिए, या 60 भी नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल मल्टीपल में नहीं होनी चाहिए, मतलब डिवाइड, मतलब ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाए ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इतना पॉइंट क्लियर है, ये थी कॉगिंग। चलिए शुरू करते हैं, अब जॉगिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जॉगिंग क्या होता है, देखिए, अब देखिए जॉगिंग क्या होता है, बहुत कम समय में, बहुत कम समय के अंदर मोटर के रिपीटेड ऑपरेशन हो जाएं। मतलब बहुत कम समय में, एक कम से कम समय में मोटर के रिपीटेड ऑपरेशन हो जाए, मतलब बार बार मोटर चालू बंद हो रही हो, ऐसी प्रोसेस को, ऐसी स्थिति को जॉगिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, क्रेन में, जो क्रेन होती है, क्रेन में क्या होता है, मोटर चालू हुई, सामान उठाया, फिर मोटर को बंद कर दिया, फिर मोटर चालू हुई, सामान को रखा, फिर मोटर चालू हुई, सामान को रखा, रिपीटेड ऑपरेशन, देखिए बार बार ऑपरेशन हो रहे हैं, बहुत कम समय में हो रहे हैं, जॉगिंग कहते हैं। याद रखिए, एक सवाल पेपर में आता है जॉगिंग को, पहले इतना पॉइंट लिखिए आप लोग, इतना पॉइंट लिखिए, चलिए। तो एक सवाल पेपर में आता है कि जॉगिंग को कभी भी 5 times in a minute नहीं करना चाहिए, मतलब एक मिनट में अगर 5 बार जॉगिंग करती तो फिर ओवरहीटिंग होने लगेगी, ओवरहीटिंग होने लगेगी और हो सकता है आपकी मोटर खराब हो जाए, हो सकता है मोटर विल बर्न, ठीक है? तो ये अवॉइड करना चाहिए, ये जॉगिंग है। तो बार बार मोटर का रिपीटेड ऑपरेशन, चालू बंद होना, क्रेन एग्जाम्पल है, उसे जॉगिंग कहते हैं। तो ये एक जॉगिंग आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी था, आपसे पेपर में कई बार आया भी है जॉगिंग का क्या कहते हैं करके। अब इंचिंग क्या है, इंचिंग की बात करते हैं। इंचिंग और जॉगिंग में कोई अंतर नहीं है, सेम है दोनों, पहली चीज़ बस याद रखना। यही काम इंचिंग में क्या होता है, मोटर का जो हम ये काम कर रहे हैं, यही काम मोटर का, मोटर Having jogging with reduced power and voltage। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ध्यान से समझना इस चीज़, जो चीज़ जॉगिंग में हो रही है वही चीज़ इंचिंग में भी होगी, सेम चीज़ है, बस कम वोल्टेज और कम पावर पे होगी, बात खत्म होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जॉगिंग, इंचिंग समझ में आ गई होगी, क्रॉलिंग कॉगिंग समझ में आ गई होगी। कैसा लगा लेक्चर कमेंट में बताइए, शेयर ज़रूर करिए, बहुत ज़रूरत होती है हम लोगों को शेयर की, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कब? नेक्स्ट लेक्चर में।